नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इजराइल को लेकर पेशोपस में फंसे पाकिस्तान ने अब इस यहूदी देश को स्वीकार करने की पूरी तैयारी कर ली है। अगले कुछ महीनों में इस बात की पूरी संभावना है कि मदरसा मुल्क चुपके से इसका ऐलान कर दे। अगर यहूदी देश और मुसलमान आतंकी मुल्क में रिश्ते स्थापित होते हैं तो यह भारत के लिए खतरे घंटी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी चुनौती से भी जूझना पड़ेगा। यानी अब पाकिस्तान भारत को कमजोर करने के लिए इजराइल के और पास जा रहा है तो मुश्किलें उसके सामने भी कम नहीं है। इजराइल पाकिस्तान की दोस्ती साउथ एशिया के समीकरण पूरी तरह बदल कर रख देगी, जिसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय हितों पर पड़ेगा। पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है, पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि इजराइल को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान पर भारी वैश्विक दबाव है। यह दबाव सऊदी अरब से भी आ रहा है। सऊदी का कहना है कि विशाल मुस्लिम आबादी वाला पाकिस्तान पहले इजराइल को मान्यता दे दे तो फिर उसके लिए भी ऐसा करना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान पर दबाव बनाने वाला दूसरा देश संयुक्त अरब अमीरात है। पिछले कुछ समय से उसने पाक नागरिकों को वीजा बंद कर रखा है। कहा यही जाता है कि कोविड 19 के कारण अमीरात ने यह कदम उठाया है, पर असल में अमीरात इजराइल के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। वीजा मामले के हल के लिए पाकिस्तान के सैन्य व असैन्य नेतृत्व ने कई बार अमीरात का दौरा किया है, पर उसे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। पिछले हफ्ते ही अमीरात में इजराइल के दूतावास का शुभारंभ हुआ है। मजे की बात यह है कि इस रिश्ते पर किसी भी मुस्लिम देश ने आयतोबा नहीं मचाई। दुनिया में इसका यही मतलब निकाला गया कि इस्लामिक देशों में इजराइल एक स्वीकार्य पक्ष बन गया है। अब जॉर्डन, तुर्की, अजरबैजान और यूएई समेत बाकी मुल्ला मुल्क भी उसकी दुम चाटने के लिए तैयार हैं। दरअसल भारत जैसे ताकतवर देश से जूझता पाकिस्तान इजराइल की सैन्य ताकत के सामने नतमस्तक है। वह इजराइल से इसलिए भी अभिभूत है कि किस तरह उसने ताकतवर पड़ोसियों को काबू में करके रखा है। पाकिस्तान यहूदी देश से रिश्ते बनाकर भारत की बराबरी में आने की मंशा पाल रहा है। इजराइल से बेहतर रिश्ता होने पर नाराज अमेरिका को भी साधा जा सकता है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की सबसे मजबूत कड़ी इजराइल और रूस है। वह धूर्त मुल्ला कूटनीति से इन देशों से रिश्ते मजबूत कर ले तो वह काफी हद तक भारत के बढ़ते कदमों को रोक सकता है। इस वक्त पाकिस्तान पर भारत के हमले का खौफ भी हावी है। वह सऊदी अरब और रूस से इस बात की गारंटी मांगता घूम रहा है कि वह उसके ऊपर भारत को हमला करने से रोक दे। इजराइल के करीब जाकर वह उसके माध्यम से इस दबाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान इजराइल से संबंधों पर हुए खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। बताया गया कि प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के दिशा निर्देशों पर विदेशी मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक सईद जुल्फिकार अब्बास बुखारी ने कुछ महीने पहले इजराइल का गोपनीय दौरा किया था। यह दौरा नवंबर 2020 में किया गया था। खास बात यह है कि बुखारी ने तेल अबीब में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है, उसने भारत के भी कान खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता देने की लगभग पूरी तैयारी कर रखी है, परंतु वह इजराइल से भी भारत को उस पर हमला नहीं करने की गारंटी चाहता है। इजराइल और भारत के बेहतर रिश्तों के कारण पाकिस्तान इस शर्त को यहूदी देश की मान्यता से जोड़ रहा है। पाकिस्तान इसके अलावा एक और शर्त पर अड़ा हुआ है। वह चाहता है कि भारत पाकिस्तान के टकराव में इजराइल तटस्थ की भूमिका निभाएगा और भविष्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता हो, पर इजराइल उसे कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वह भारत के आंतरिक मामलों या उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हर देश अपनी सुरक्षा हेतु पूरी तरह स्वतंत्र है। अगर पाकिस्तान चाहे तो इजराइल उसे अपनी टेक्नोलॉजी मुहैया करा सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी भारत से हमले की गारंटी चाही है, पर सऊदी ने भी इस मामले पर उसे निराश किया है। इजराइल को मान्यता के मुद्दे पर पाकिस्तान चारों तरफ से घिर रहा है, खासतौर पर अमेरिका द्वारा खाड़ी देशों के माध्यम से उसके ऊपर भारी दबाव है। उसके पैर पूरी तरह डगमगा रहे हैं। दूसरी तरफ से इमरान खान को जाहिल और धर्मांध कौम के भड़कने का डर भी सताने लगा है। पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व या किसी राजनेता का इजराइल को मान्यता देने के बारे में खुलेआम कहना असंभव है। सिर्फ उसके वोटर रीति की आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि तमाम टोपीबाज तहमद फाड़कर हवा में उड़ा देंगे। ऐसी कोशिशें साल 2005 में सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने भी की थी, मगर अंततः उन्हें जनता के दबाव के आगे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पर बावजूद इसके खाड़ी देशों को लगता है कि इमरान खान इजराइल के मामले को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इमरान पाकिस्तान के उन नेताओं में शामिल हैं जो जनता को मूर्ख बनाकर उन्हें गठबंधन तक कराने के लिए विख्यात हैं। उन्होंने चुनाव पूर्व किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है, फिर भी जनता को इंशाल्लाह और घबराना नहीं बोलकर उन्हें शांत बिठाने में सफलता पाई है।
साथ ही पाकिस्तानी आर्मी भी उनके साथ खड़ी दिखती है। आर्मी खुद इमरान खान पर दबाव बना रही है कि भारत जैसे शक्तिशाली देश को रोकने के लिए इजराइल से रिश्ते बनाना बेहद जरूरी है। जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है तो सेना का इमरान को साथ मिलने से वह ज्यादा चूचपड़ नहीं कर सकेगी। देश के कट्टरपंथी मुल्लाओं को रोकने की जिम्मेदारी भी सेना उठाने को तैयार है। अगर इस मुद्दे पर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह फिलिस्तीन है। इजराइल को मान्यता देते ही फिलिस्तीन पाकिस्तान के समुद्र सतल में चले जाएंगे। पाकिस्तान हमेशा से फिलिस्तीनियों के हक और दो राष्ट्र वाले समाधान के पक्ष में रहा है। पाकिस्तान ने प्रोक्स तौर पर यह भी माना है कि वह मुसलमानों के आतंकी संगठन हमास को प्रशिक्षण देता रहा है। ऐसे में बड़ा खतरा यह भी है कि हमास उसके खिलाफ हो सकता है। इजराइल को मान्यता देने के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर वह फिलिस्तीन के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएगा। उसे यह भी डर है कि कहीं पाकिस्तान की मुल्ला नीति भारत की तरह इजराइल की पक्षधर ना बन जाए। आपको बता दें कि पिछले महीने इजराइल और हमास के संघर्ष में भारत साफ तौर पर इजराइल के पक्ष में नजर आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल की ओर ज्यादा झुकाव दिखाया है। इसका साफ मतलब यही है कि मदरसा मुल्क की धूर्त मुल्ला नीति झूठी पतलों पर उंधे मुंह गिर गई है। उसके सामने करो या मरो वाली हालत है। खुद उसके मित्र और इस्लामिक मुल्क उसके ऊपर इजराइल को मान्यता देने का दबाव बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत में यूएई और सऊदी से अलग होकर नहीं चल सकता है। इस मामले में तुर्की भी उसके साथ खड़ा नजर नहीं आता है। तुर्की इजराइल में पहले ही राजनयिक रिश्ते स्थापित हैं। यानी पाकिस्तान इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गया है। अब वह ज्यादा देर इस हालत में नहीं रह पाएगा। पर यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत को भी इजराइल पाकिस्तान रिश्तों में अपना वजूद बराबर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। इजराइल को पाकिस्तान को सैन्य हथियार और आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने से रोकना होगा। इस वक्त फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और रूस भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश हैं। पाकिस्तान धीरे धीरे इन देशों के नजदीक होता जा रहा है। वह धूर्त मुल्ला नीति का इस्तेमाल करके अब भारत को इन देशों से दूर करने की कोशिश में जुटा है। इसलिए मोदी कूटनीति की असली परीक्षा अब फिर से शुरू होने वाली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।